एशिया की आर्मी सेहत इदारे की डायरेक्टर डॉक्टर पूनम ने भी इस मौके पर खुशी का इजहार किया है। इतने कम समय में वैक्सीन को डेवलप करना और इतने लोगों में और इतने डाइवर्स मुल्क में लोगों तक इस में न सिर्फ बेदारी पैदा करना बल्कि 100 करोड़ का हदफ पार कर लेना, इस पर उन्होंने काफ़ी हुकूमत की सताइश की। करोड़ डोजेस क्रॉस करना और वो भी इतने कम समय में, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इंडिया का ये माइलस्टोन इसलिए भी खास है क्योंकि इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन के साथ साथ दुनिया के और देशों को भी वैक्सीन की करोड़ों डोजेस दी हैं। WHO आज इंडिया को इस कामयाबी के लिए बहुत बधाई देता है। ये एक हाईएस्ट पॉलिटिकल कमिटमेंट, फ्रंटलाइन वर्कर्स की कड़ी मेहनत और लोगों की सपोर्ट से हो पाया है। कोविड की वैक्सीन लोगों को वायरस से होने वाली गंभीर बीमारी और मौत से बचाती है। बहुत ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें और सब लोग वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क पहने, हाथ साफ रखें, दूरी बनाए रखें, भीड़ और बंद जगहों को अवॉइड करें। वैक्सीन लेने के बाद भी इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो वायरस नहीं, हम वायरस से जीतेंगे। वहीं इस मौके